ये दुर्भाग्य है कि आज मनी आजम साहब को 3 साल की सजा हुई, जिससे कि उनकी विधानसभा पर, विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा उत्पन्न हो गया। इस देश में बाबा साहब ने एक संविधान दिया था, लेकिन संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर इस देश में 2 कानून बना दिया गया। आरएसएस के इशारे पर काम करने वाले कुछ भी बोले, कुछ भी करें, उनके बयानों से दंगा मच जाए, उनके बयानों से लिंचिंग हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, लोगों की हत्या हो जाए, वो बलात्कार कर लें आरएसएस के इशारे पर काम करने वाले, फिर भी पुलिस ऐसा काम करती है कि जिससे उनको सजा ना हो। अभी ताज़ा घटना थोड़े दिन पहले की है, जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसमें हेट स्पीच के मामले में भाजपा के एक नेता को सजा हुई, लेकिन मात्र 150 रुपये की सजा। ये अर्थदंड केवल न्यायपालिका ने लगाया। हमारा संविधान इजाजत नहीं देता कि हम न्यायपालिका पर उंगली उठाएं, लेकिन न्यायपालिका में पुलिस की अहम पैरवी होती है, पुलिस का रिपोर्ट होती है, पुलिस की कहानी और थ्योरी मानी जाती है, साक्ष्य माने जाते हैं। तो साक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार अपने विरोधियों के हिसाब से गढ़ती है। जब घटना हुई थी, एक भाजपा के नेता बलात्कार के आरोप में उनके ऊपर आरोप लगा, तो आरोपी को दंड देने, जबकि आरोपी का वीडियो था मसाज कराते हुए, उनको न सजा देकर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करके, उन्हें बल्कि पीड़िता को जेल भेज दिया गया और उन्हें थोड़े दिन बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया, और बाइज्जत बरी करने वाले जज को इनाम मिल गया। और वहीं गायत्री प्रजापति जी के मामले में कोर्ट ने और पुलिस ने जो रचा, जबकि पीड़िता चिल्लाती रही कि मुझसे करवाया गया इस तरह की बात, मुझसे कहा गया फंसाने के लिए, उल्टे पीड़िता को ही जेल भेज दिया गया। तो कुल मिला के इस देश में बाबा साहब के कानून की धज्जियां आरएसएस के इशारे पर उड़ाई जा रही हैं, और इसमें न्यायपालिका, न्यायालय तो अंधा माना जाता है, इसलिए उसके आंख पे पट्टी बंधी होती है। पुलिस जो थ्योरी बनाती है, पुलिस जो साक्ष्य इकट्ठा करती है, उसी हिसाब से कार्रवाई होती है। पुलिस जब FIR ही नहीं दर्ज करेगी, पुलिस जब थ्योरी ही नहीं बनाएगी, पुलिस जब साक्ष्य इकट्ठा नहीं करेगी, तो सजा नहीं मिलेगा। और जिससे सजा दिलानी, उसमें फर्जी कहानी, फर्जी आरोप पत्र, फर्जी साक्ष्य इकट्ठा किए जाते हैं। ताज़ा घटना मैंने कई बार उठाया कि आगरा में बलात्कार हुआ, कई बार बयान लिया गया, CO ने बयान लिया, कोर्ट में बयान हुआ, लेकिन उसके बावजूद FIR नहीं दर्ज की गई, छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया, छेड़छाड़ का, उसमें भी एक दिन में जमानत दे दी गई। तो इस देश में दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को एकजुट होना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनके जीवन में जो कष्ट हैं, उनका निवारण केवल एक तरीके से हो सकता है, वो राजनैतिक रूप से संसद और विधानसभाओं पर एक अकेले कब्जा करें, बिना किसी सहारे के कब्जा करें, आरएसएस से दूर होकर कब्जा करें। आरएसएस के कई हाथ हैं, उनसे जब तक दूरी बनाकर स्वतंत्र रूप से कब्जा नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश में दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिल सकता है, उचित न्याय नहीं मिल सकता। धन्यवाद।